खरगोन जिले के सेगावा क्षेत्र में सबसे बड़े एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 दशक पुरानी एक्सरे मशीन से मरीजों की जांच की जा रही, जिसमें आए दिन रिपोर्ट गलत आती है। इस कारण से कई मरीज अपनी बीमारियों के लिए असमंजस में रहते हैं। लगातार मांग करने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आदिवासी बाहुल्य तहसील मुख्यालय पर स्थित बीमार्क का दर्जा प्राप्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्र के लगभग 70 गाँव की आबादी और 40 पंचायतें निर्भर है। समूचे तहसील क्षेत्र में एकमात्र सहारा स्वास्थ्य केंद्र में बुनियादी सुविधाओं की दरकार लंबे समय से बनी हुई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन जैसी महत्वपूर्ण वस्तुएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाए। आधुनिक युग में डिजिटल मशीनों के चलते सामुदायिक अस्पताल में 22 साल पुरानी मशीन से ही काम चलाया जा रहा है। सेगावा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। ये एक्सरे मशीन को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे, कितनी पुरानी मशीन है ये? एक्सरे मशीन को स्टार्ट हुए अपने सेगा में 13-12-98 में स्टार्ट हुई थी और मेरी कोचिंग 17-12-2006 से हुई है। जब से मैं आया हूँ, जब से विधिवत मध्य इसका रूपरेख और कार्यभार में संभाल रहा हूँ और समय समय में मैं मेरे हिसाब से इसका मेंटेनेंस करते रहता हूँ और समय समय जब खराब होती है तो संबंधित विभाग को मैं पत्रकार से सूचना दे देता हूँ। ये एक्सरे अभी डिजिटल एक्सरे की आवश्यकता है? डिजिटल एक्सरे की तो आवश्यकता है। खंडवा पड़ोदा रोड है, एक्सीडेंट के आते रहते हैं तो शासन से मांग है और उच्च अधिकारी को अवगत करवा चुके हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द डिजिटल मशीन स्थापित करें। क्या नाम लिखते हो? मैं राजेश शर्मा, रेडियोग्राफर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।